उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल बस से बाहर झांकने के दौरान बिजली के खंभे से टकराकर जान गंवाने वाली 10 साल के बच्चे के परिवार ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का इल्जाम लगाया। तीसरी कक्षा के छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन को बच्ची के मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोदी नगर की SDM शुभांगी शुक्ला मृतक बच्चे के माता पिता को बुरी तरह से धमकाते हुए नजर आ रही है। दरअसल मोदी नगर के पुलिस स्टेशन के सामने छात्र अनुराग भारद्वाज के माता पिता स्कूल में लापरवाही के लिए कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। इस दौरान मोदी नगर की SDM शुभांगी शुक्ला ने उंगली दिखाते हुए बच्चे की मां नेहा भारद्वाज पर चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं और कहा, तुम क्यों नहीं समझती, मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रही हूँ। वीडियो में अनुराग भारद्वाज की माँ नेहा भारद्वाज अपने पति, बेटी और अन्य बच्चों के माता पिता के साथ धरने पर बैठी है और महिला अधिकारी उन्हें चुप रहने को कह रही है। SDM शुभांगी शुक्ला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझती, मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रही हूँ। इस पर नेहा भारद्वाज रोते हुए जवाब देती हैं, क्या यह तुम्हारा बेटा था। इसके बाद शुभांगी शुक्ला फिर से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि कितनी बार मुझे कोशिश करनी चाहिए और आपको कितनी बार समझाना चाहिए। इस पर नेहा कहती है, मैं काफी समझ चुकी हूँ और अब मैं चुप हूँ। पीड़ित के परिवार ने गुरुवार को थाने के बाहर धरना दिया और दिल्ली मेरठ मार्ग पर यातायात बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग का एक तरफ का हिस्सा प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए बाधित रहा। हालांकि प्रदर्शन कर रहे परिजनों को मामले में समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम खोला गया है। तो वहीं मृतक बच्चे के माता पिता को धमकाती SDM का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं।